अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? ठीक है नाउ किड्स, टुडे और बुक इज किंगडम मैथ। आज जो हमारी बुक है ये किंगडम मैथ की है फॉर प्रेप क्लास। ये प्रेप क्लास की बुक है। नाउ ऑन पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 पर टुडे और टॉपिक इज लेसन नंबर 17 बेस 10 ब्लॉक्स। हमने क्या करना है, 10 ब्लॉक से हम लोगों ने सीखनी है काउंटिंग को। नाउ लेट्स सी हाउ टू काउंट ब्लॉक्स इन टेंस। तो देखना है कि टेंस को हम लोग कैसे काउंट करेंगे। सो चले हम एक्टिविटी को करते हैं। तो एक्टिविटी को करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ब्लॉक्स के बकेट्स हैं, जिनमें से हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को निकालेंगे और वन बाय वन काउंट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टेंस बनते हैं। सो टेंस में हमने क्या करना है, टेंस में हम लोगों ने साथ साथ अपने ब्लॉक को काउंट करना और साथ साथ नंबर्स की हेल्प लेकर हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, 10 ब्लॉक्स को हम जोड़ेंगे और टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। नाउ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास ब्लॉक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो मेरे पास टोटल ब्लॉक्स 10 है। हाउ मैनी, 10 ब्लॉक्स। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर नंबर 10 को रखा। सो मेरे पास ये कितने 10 हो गए, 110 हो गए। हाउ मेनी टेंस, 110। कितने टेंस हो गए मेरे पास, 110। सो 110 को हम कैसे लिखेंगे, 110 के लिए हम लोग 1 के आगे 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास 110 बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट फिर से काउंट करूं, सो मैं यहाँ पर अपने ब्लॉक्स को काउंट करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो हाउ मेनी ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लॉक्स। सो मैंने क्या किया, 10 प्लस 10, मेरे पास पहले ब्लॉक्स थे तो उसके लिए मैंने ओनली 10 को यूज़ किया। अब मेरे पास कितने ब्लॉक सेट है, 2 ब्लॉक सेट है ना, 10 इसमें और 10 इसमें है। सो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे टेंस में लिखेंगे। इट्स मीन 10 ब्लॉक्स इज इक्वल टू टेंस और 20। ये हमारे पास क्या है, 2 टेंस है। कितने टेंस है हमारे पास, 2 टेंस है। 1 और 2 टेंस है ना, 10 के 2 ग्रुप हैं। और अगर हम लिखें इसे इज इक्वल के तौर पर तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 2 ब्लॉक्स, यानी 2 ब्लॉक्स है 10 टेंस के। सो 2 टेंस जो है वो हमारे पास इज इक्वल में क्या आ गया, हमारे पास इज इक्वल में 20 आ गया। हमारे पास इज इक्वल में क्या आ गया, 20, बिकॉज 2 टेंस इज इक्वल टू 20। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 के साथ 0 रखा, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास ब्लॉक्स तो 2 हैं, 1, 2 ब्लॉक्स हैं और दोनों ब्लॉक्स में मेरे पास 10 इसमें ब्लॉक है और 10 इसमें। सो इज इक्वल टू 20, इज इक्वल टू कितने हो गए, 20। नाउ अगर हम नेक्स्ट देखें, सो यहाँ पर मेरे पास 2 ब्लॉक्स थे, सो 2 ब्लॉक्स के बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूँ तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट अपने ब्लॉक्स को काउंट करूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाउ मेनी ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स। सो 10 ब्लॉक्स है मेरे पास। सो यहाँ पर मेरे पास 1 ब्लॉक था, देन फिर मेरे पास 1 एंड 1। यहाँ पर मेरे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब मेरे पास 10 के कितने ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं। हाउ मेनी, 3 ब्लॉक्स हैं। 10 के मेरे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं। और अगर मैं इसे इज इक्वल करके लिखूं तो मेरे पास 3 ब्लॉक्स में कितने कितने हमारे पास ब्लॉक्स हैं, 10 ब्लॉक्स हैं। 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। और मैं क्या करूंगी, 30 को कैसे लिखूंगी, 3 के आगे 0 लगाऊंगी, इट्स मीन 30।
यानी थ्री मेरे पास क्या थे, थ्री मेरे पास ब्लॉक्स थे और मेरे पास तीनों ब्लॉक्स में 10 10 जो है वो मेरे पास क्या है, एक एक ब्लॉक है. सो इज इक्वल टू 30. यानी हम इसे भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं, थ्री इज इक्वल टेंस और 30, थ्री इज इक्वल टेंस और 30. सो थ्री यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास कितने ब्लॉक्स हैं, थ्री हैं. सो थ्री मेरे पास क्या आ गया, टेंस आ गया. सो टेंस के लिए मैं क्या यूज करूंगी, टी को. थ्री ब्लॉक्स इज इक्वल थ्री टेंस एंड 30, क्या बन गए, 30. सो किड्स, हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जो पेज नंबर 55 पे था बाय ब्लॉक्स की हेल्प से. सो किड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पेज नंबर 55 पर मजीद कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. सो किड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज. वीडियो पसंद आई तो